कोविड से जंग सीलमपुर एसडीएम की देखरेख में बूस्टर डोज के लिए स्पेशल कैंप का आयोजन। राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार के दिशा निर्देश पर एसडीएम सीलमपुर ने अपने डिवीजन क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगाने के मकसद से विशेष कैंप का आयोजन किया है। एसडीएम सीलमपुर शरद कुमार के नेतृत्व में जाफराबाद, चौहान, बांगड़, ब्रह्मपुरी के अलावा मेट्रो स्टेशन, धार्मिक स्थलों और स्कूलों में भी बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला शुरू किया गया है। एसडीएम सीलमपुर शरद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में सीलमपुर सब डिवीजन में सेकेंड डोज 81.5% और बूस्टर डोज 30% लग चुकी है। इसी बूस्टर डोज को बढ़ाने के मकसद से रोज अपने इलाके में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सीलमपुर, जाफराबाद, चौहान, बांगड़ और ब्रह्मपुरी में बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाए गए हैं। इसके लिए मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मदद लेकर क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए जागरूक कर सके, ताकि जिन्हें सेकेंड डोज और बूस्टर डोज अधिक संख्या में लगाई जा सके। रोजाना बूस्टर डोज लगाई जा रही है। पहले दिन 376 और दूसरे दिन 425 लोगों को बूस्टर डोज की वैक्सीन लगाई गई, क्योंकि अभी 30% लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है। ऐसे में अभी ये विशेष कैंप आगे भी लगातार ऐसे ही लगाए जाते रहेंगे। सर, बूस्टर डोज को लेके कहाँ कहाँ आपका कैंप लगाया गया है और कितने लोगों को अब तक ये बूस्टर डोज लग चुकी है? सीलमपुर सब डिवीज़न में अभी तक सेकेंड डोज 81.5% और बूस्टर डोज लगभग 30% लग चुका है। इसी को बढ़ाने के लिए, बूस्टर डोज को बढ़ाने के लिए हमने रोज अपने क्षेत्र में स्पेशल कैंप्स का आयोजन किया हुआ है। आज भी ये ब्रह्मपुरी, जाफराबाद, चौहान बांगर, सीलमपुर, इन सब एरिया में चल रहा है ये। इसमें हमने MTA जो मार्केट ट्रेड एसोसिएशन है और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उन लोगों की मदद ली है, ताकि हम उस क्षेत्र के अधिक से अधिक उन लोगों को वैक्सीनेट कर सकें जिन लोगों ने बूस्टर डोज या सेकेंड डोज नहीं लगवाया हुआ है। अच्छा सर, कितने लोगों को अब तक लग चुकी है? लगभग 30% हो गया है। कल भी हमने 425 लोगों को लगाया है और परसों 376 लोगों को वैक्सीन लगा था बूस्टर डोज का। सर, कब तक आगे और चलता रहेगा? अभी ये जब तक 30% चुकी, अभी इसको बहुत इंक्रीज करना है, इसलिए अभी हमारा ये मुहिम लगातार चलेगा। सर, कहाँ कहाँ बूस्टर डोज लगाई जा रही है, कौन कौन सी लोकेशन है वो और किस जगह लगाई जा रही है? बूस्टर डोज हमने मेट्रो स्टेशन, जितने भी रिलीजियस सेंटर हैं, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, मार्केट के प्लेसेस हैं, स्कूल्स हैं जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स, उनके स्टाफ, इन सबको, आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, और इस क्षेत्र में जितने भी ऑफिसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिसेज हो, बैंक्स हो, पोस्ट ऑफिस हो, इन सब के भी स्टाफ को हमने बूस्टर डोज के लिए कैंप लगा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसमें हमने मोबाइल टीम की भी व्यवस्था की है, जहाँ कोई ऐसे बुजुर्ग आदमी या कुछ ऐसे लोग हों जो चल नहीं पाएँ, उनको हम उनके घर पर ही जाके अपनी मेडिकल टीम की मदद से वैक्सीनेट कर रहे हैं। सर, नाम अपना बता दीजिएगा, पूरी डेजिग्नेशन। डॉक्टर अतुल मन्ना, जाफराबाद डिस्पेंसरी में मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। अच्छा, वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ, आज कितने लोग आपके पास आ चुके हैं, कौन कौन सी डोज लगाई जा रही है? आज के टाइम में फर्स्ट डोज, जिनको फर्स्ट डोज अभी तक नहीं लगा हुआ उनको फर्स्ट डोज भी लगा रहे हैं, जिनको फर्स्ट डोज लग चुका है, सेकेंड डोज नहीं लगा उनको सेकेंड डोज लगा रहे हैं, और बाकी लोगों को प्रिकॉशन डोज, जिनका पूरा हो चुका है सेकेंड डोज, उनका प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं, जिनका टाइम हो चुका है। और इस समय हमारे पास हर तरह की वैक्सीन है, कोविशील्ड को वैक्सीन, कोर्बेवैक्स, हर तरह की वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास। इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जगह जगह पे कैंप लगा रहे हैं जा रहे हैं, जिसमें आज हमने अभी सुबह से अभी तक 115 लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं, और ये प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है, चल रही है अभी तक। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।